हाय हेलो, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चा, क्योंकि हमारे लिए और आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारा एक वीडियो आज 1K व्यू पहुंच गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से हमने चैनल को बनाया था और उस चैनल को फिर हमको बीच में बंद करना पड़ा। अभी हम इधर 1 महीने से चैनल को लॉकडाउन में स्टार्ट किए, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास के लिए कॉल कर रहे थे और उस दौरान हम बहुत बिजी हो गए थे अपने कॉलेज के और कोचिंग के क्लास को लेने के लिए, और कॉलेज कोचिंग में पढ़ाने के बाद समय ही नहीं बचता था कि हम वीडियो पे आ पाएं। अभी फिर हमको इस लॉकडाउन में समय मिला, जब बच्चे बार बार कॉल करके कि सर क्लासेस कब चलेंगे कब चलेंगे, तो हमने सोचा कि ऑनलाइन बच्चों को वीडियो प्रोवाइड किया जाए और हम ये कंटिन्यू सीरीज अपना लॉन्च करने लगे। और आप लोगों का शायद बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको मिला है, जिसकी वजह से आज हमारा 2 सप्ताह में एक वीडियो 1K व्यू पहुँच गया। हाँ, मानते हैं कि ये बहुत अच्छा वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो फिलहाल में बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया और सडनली इतना जल्दी ग्रोथ कर गया ये हमारा वीडियो, और फिर हमारा चैनल इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है कि इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और बहुत से बच्चे कमेंट किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों का कमेंट देख के। हम नेक्स्ट वीडियो में सबका नाम शेयर करेंगे, सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो पर बने रहें और क्लास को कंटिन्यू किया जाए। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत भी डाउन चल रहा है। इस बीच आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, आपके क्लास की वजह से, यानी हमको पढ़ाने के लिए हमने एक ये माइक मंगाया था और शायद 1 सप्ताह हो गया आप लोगों को जाहिर नहीं होने दिया हमने। विदाउट माइक हम कैसे क्लास को अटेंड किए हैं, क्योंकि माइक था उससे हम पढ़ा रहे थे, आवाज़ अच्छी जा रही थी, बीच में ये माइक हमारा ख़राब हो गया तो हमको डायरेक्टली क्लास लेना पड़ रहा है। आज आज इसलिए बताएं क्योंकि हो सकता है कल मेरा माइक आ जाए, कल या परसों, दो एक दिन में आ जाएगा। हमने बुकिंग कर दिया है और ये शिफ्ट हो चुका है, लगभग 1-2 दिन में हमारे पास पहुंच जाएगा। तो आपके पास अच्छी वॉयस क्वालिटी हमारी जाएगी। शायद हो सकता है अभी माइक हमारा 1 सप्ताह से खराब है, क्लास तो हम कंटिन्यू किए हुए हैं लेकिन आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा हमारा माइक आने के बाद। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमने इंट्रो नहीं दिया। हाय हेलो, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजी वूस्टर्स। प्लीज हमारे वीडियो पे बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। अगर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करिए, एंड तक वीडियो को देखा करिए। जो भी नोट्स हम लिखवा रहे हैं उसको जरूर बनाए। हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया एलिमेंट्री कैनाल को, अब डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल को। डिस्कस करने के बाद, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पोर्शन है बच्चा, सॉरी चाक ले रहे थे, ये डाइजेस्टिव पोर्शन का ही, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही लास्ट पोर्शन है, जहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ बेलेनोग्लासेस, क्योंकि बेलेनोग्लासेस का ही पढ़ रहे हैं तो हमको इसी का देखना है। यहाँ पे एक पॉइंट आती है बच्चा, ये फूड का मतलब फूड है एक टॉपिक, जो पहली टॉपिक है फूड, द फूड ऑफ बेलेनोग्लासेस, यानी ये जो बेलेनोग्लासेस एनिमल है ये कहाँ रहते हैं, एक्वाटिक है, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, इज माइक्रोस्कोपिक। बेलेनोग्लासेस ऑलरेडी छोटा सा होता है छोटा होता है, लेकिन इतना छोटा नहीं कि माइक्रोस्कोपिक हो। जब हम बात बेलेनोग्लासेस की करेंगे तो बेलेनोग्लासेस का आप लोगों को डायग्राम ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में कई बार डायग्राम को बना बना के रफली समझाया है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी ये कहेंगे कि सर यहाँ पे डायग्राम बनाने की क्या नीड है, नहीं है बेटा, आप समझ जाओगे कि क्यों हम बना रहे हैं और कुछ टॉपिक यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना बच्चा, ये वाला पोर्शन ब्रांचियल रीजन, ब्रांचियल वाला होता है किसका, बेलेनोग्लासेस के ट्रंक का। ये पोर्शन ट्रंक हो गया, ये हो गया कॉलर, ये हो गया प्रोबोसिस, बीच में यहाँ कॉलरेट होता है, यहीं पे माउथ की ओपनिंग होती है। ध्यान देना अब यहाँ से क्या चलने वाला है, द फूड ऑफ बेलेनोग्लासेस इज माइक्रोस्कोपिक। बहुत बड़ा एनिमल तो होता नहीं, इसलिए इसका फूड भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही होंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आई मीन बैक्टीरिया, फंगस और छोटे छोटे जो खरपतवार होते हैं और जो शैवाल वाल पाए जाते हैं मैराइन वाटर में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके न्यूट्रिएंट मटेरियल या फूड मटेरियल होंगे। और क्या है, ऑर्गेनिक पार्टिकल, जो कुछ कण होते हैं मिट्टी में दबे हुए कण, प्रेजेंट इन द वाटर, जो पानी में मौजूद होते हैं, एंड द बॉटम सैंड, जो इसकी
मिट्टी वाली किनारी होती है, किनारे पर जहाँ पे ये ऑलरेडी अपने बड़ों को बना के रहते हैं। लेनोग्लासस, यू मैराइन वाटर हो गया, ये हो गया पूरा वाटर, और यहाँ पे ये मान लो सरफेस है, बॉटम रीजन है, और इसने यहाँ पे बना लिया बच्चा ये अपना यूट्यूब। यूट्यूब चैनल नहीं बना लेता, बेलेनोग्लासस क्या चैनल बनाएगा, ये यू ट्यूब की तरह अपनी हैबिटेट कर सकते हैं या एक हाउस का फॉर्मेशन करता है जिसमें ये खुद जाके रहता है। तो इसके जो ये सैंड पार्टिकल है इसमें प्लस इस वाटर करेंट में प्लस आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिक पार्टिकल जो इसके आसपास मौजूद है इसी को ये इंगल्फ करके अपना डाइजेशन कंप्लीट करता है। इन विच इट मेक्स इट्स बरो, जिससे अपना बरो बनाता है, यानी बॉटम सैंड, वो बॉटम सैंड जिससे अपना बरो बनाता है उसके पास क्या मौजूद होता है, वाटर, वाटर तो ऑलरेडी वहीं पे है, और इन वाटर और बॉटम सैंड के पास क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको ये खा के अपना डाइजेशन कंप्लीट करता है। आई मीन इसकी जो फूड है वो क्या क्या है बच्चा, सीधे शब्दों में कहा जाए तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिक पार्टिकल है, जो कहाँ मौजूद है, वाटर में मौजूद है और बॉटम सैंड के पास, जिससे ये अपने बरो को बनाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फीडिंग मैकेनिज्म। तो अब हम लोग बात करेंगे फीडिंग के बारे में बच्चा। फूड हमने बता दिया, ये जो फीडिंग है ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। जैसे कोई फूड मटेरियल को अंदर लेना, लेने के बाद क्या उसमें चल रहा है, काट छाट चलता है, और काट छाट के जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अंदर कर लेना और जो फालतू की चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल देना। इनके पास उतना ज्ञान नहीं होता कि इनको क्या करना चाहिए। भाई धरती पे अगर मैमल्स को छोड़ दिया जाए, मैमल्स में वो भी ह्यूमन को, तो बाकी ऑर्गेनिज्म में इतनी ज्ञान नहीं होती कि क्या करना चाहिए। तो वैसे ही जब हम यहाँ बात करेंगे तो इनमें क्या है, द बेलेनोग्लासस इज सिलियरी फीडर। ये कैसे फीडर होते हैं, यानी कैसे ये भोजन अपना लेते हैं, सिलियरी फीडर होते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा कि जब हम यहाँ पे डायग्राम बनाए होंगे तो ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से याद होगा कि प्रोबोसिस का था, और इसके बाद ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कॉलर का था, कॉलरेट का, ये कॉलरेट का था, और उसके बाद कुछ यूं आगे जाके ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला डायग्राम हमने बनाया था बेटा, आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम याद होगा। इसके बाद ये वाला पोर्शन कॉलर का था, और कॉलर से थोड़ा आगे जाके कुछ इस ढंग से ब्रांचियल ट्रंक रीजन था, याद होगा आप लोगों को। तो यहीं पे ये वाली जो रीजन है प्रोबोसिस स्टाल और कॉलरेट के बीच में मौजूद थी माउथ, और यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे यू शेप में देखा होगा कि ऐसे 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 बना होगा जिसमें बहुत सारे सिलिया मौजूद थे। तो ये सिलिया क्या करता है, फूड मटेरियल को छांटता है, जो यूजफुल होते हैं उनको अंदर लेता है, और जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, हार्ड पार्टिकल होते हैं, उसको यहीं से छांट के कॉलर के थ्रू बाहर कर देता है। तो बस यही चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है, और कुछ ऐसी मैकेनिज्म पढ़नी है जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन और ये फूड का इनटेकिंग दोनों देखा जाता है। तो यहाँ हम फीडिंग में क्या पढ़ेंगे, द बेलेनोग्लासस इज सिलियरी फीडर। कैसा फीडर है, सिलियरी फीडर है बेटा। द फीडिंग मैकेनिज्म, ये ध्यान देना कि इसकी मैकेनिज्म जो है, फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ बेलेनोग्लासस इज, अंडरलाइन करना हमेशा ना भूलिएगा, जो जीनस होता है उसको अंडरलाइन करना, प्लस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, इज कंप्लीटेड थ्रू, यानी इसमें जो फीडिंग मैकेनिज्म होती है वो कंप्लीट होती है थ्रू प्रीओरल सिलिया, ये हमने बोल दिया ना प्रीओरल सिलिया, माउथ हो गया, जो इसके पास ये वाली ओपनिंग है माउथ है, देन इसके बाद बक्कल कैविटी, आगे वाली जो स्पेस यहाँ पे बनी थी ये क्या थी, बक्कल कैविटी, क्योंकि ये ऐसे ही करके हम आगे की तरफ बढ़ा दें कुछ इस ढंग से बेटा, और फाइनली आके यहाँ पे ओपनिंग था एनस। डायग्राम में आपको पूरा नहीं दिखेगा लेकिन हम समझाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माउथ था, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ये पूरी पोर्शन क्या थी, फेरिंग्स की थी, फेरिंग्स आगे बढ़ के ओपन हो रहा था ओसोफेगियल रीजन में, और ये हिपेटिक पोर्शन में इसका इंटेस्टाइन, और फाइनली एनस। तो ये पोर्शन हमारे उम्मीद से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फेरिंग्स है, गिल स्लिट्स है, एंड ब्रांचियल सैक, द लैटरल, ये आपने देख लिया कि यहाँ पे ब्रांचियल सैक, आई मीन यहाँ की जो स्पेसेस है ब्रांचियल सैक की, ये आपको मिल गई। देन बात करते हैं द लैटरल सिलिया लाइनिंग ऑफ गिल स्लिट्स,
द लेटरल लाइनिंग, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे गिल स्लिट्स की लेटरल लाइनिंग थी, ये लेटरल लाइनिंग ऑफ गिल स्लिट्स सेटअप, ये सेटअप होते हैं अ करेंट ऑफ वाटर विच इंटर, वाटर करेंट के द्वारा सेटअप किए रहते हैं, जैसे ये पानी आया तो उसको करेंट के थ्रू ऐसे आगे पास आउट करने के लिए, जैसे पानी जा रहा है तो इसको टकराते हुए इससे जाएगा गिल से, और ये भी करेंट के थ्रू आगे के आगे पीछे होगा जिससे पानी अंदर आ जा सके। इंटर्स थ्रू माउथ, वाटर करेंट सॉरी कहाँ पे थे हम लोग, गिल स्लिट सेटअप अ करेंट ऑफ वाटर विच इंटर थ्रू माउथ, जो इंटर होता है थ्रू माउथ से, यहाँ से पानी इंटर होता है और गिल स्लिट्स के पास तक जाता है, जो करंट वाटर की होती है तेजी से जाता है, टकराता है वहां पे, वो भी छाटने का काम करता है। करंट ऑफ वाटर विच इंटर थ्रू माउथ टेक्स इन कोर्स थ्रू द बकल कैविटी, और ये जाता है किसके थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, फिर फेरिंग्स, फिर गिल स्लिट्स एंड ब्रांकियल सैक, और पहुंच जाता है ब्रांकियल सैक के पास। दिस इज, ये जो पोर्शन है, दिस इज द रेस्पिरेटरी कम फूड करंट, यानी यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन के साथ साथ फूड करंट यानी भोजन को भी काट छाट करने का काम करता है, कौन, गिल स्लिट्स करता है, और इसके पहले ये सारी चीजें आपको यहाँ पहुंचाने का ही कार्य कर रही है, इसलिए इसको डिस्कस किया गया है फीडिंग मैकेनिज्म में। आगे हम इसके आगे कुछ डिस्कस करते हैं गिल स्लिट्स के बारे में, तो क्या है जरा बेटा देख लिया जाए, तो अब हम लोग जो पिछला पोर्शन बचा हुआ था फीडिंग मैकेनिज्म का, कुछ पार्ट बच गया था जो हम आगे लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है बेटा, द यू सेप्ट, किसकी बात हो रही है, माउथ के पास जो प्री ओरल सिलियरी बैंड है उसकी बात हो रही है, ये कैसा है, यू सेप्ट में है ऑर्गन एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस, कहाँ पे होता है बच्चा, ये जो डायग्राम था यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोबोसिस स्टाल्क वाली जो पोर्शन है यहाँ पे, इसके बेस पे क्या है, यू शेप्ड प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस स्टाल, तो यहां से हमने बात किया, ये करता क्या है, टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड, ये क्या करता है, टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड यानी फूड की क्वालिटी को पहचानता है, स्वाद लेता है, देन इसको पास आउट करता है अंदर की तरफ, एंड इंटर वाटर, एंड वाटर इंटर इन द माउथ, और वाटर के थ्रू इंटर कर जाता है माउथ में, या आप ये कह सकते हो कि जब ये हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रोबोसिस स्टाल्क हो गया, ये प्रोबोसिस स्टाल्क, और यहाँ से ये माउथ वाली पोर्शन, इस वाटर करंट की बात की जाए, ये वाटर करंट माउथ के थ्रू जब यहाँ पे इंटर करता है, माउथ के थ्रू जो वाटर करंट इंटर करेगा, जो ही यहाँ पे ये इंटर करेगा, ये सिलियरी जो बैंड है या सिलियरी ऑर्गन जो है, प्री ओरल सिलियरी, प्री का मतलब ये होता है कि पहले, ओरल मतलब माउथ वाले पोर्शन पे जो सिलियरी बैंड है ये क्या करता है कि उसको तुरंत छांटता है, वहां पे जो मटेरियल उसके यूजफुल होंगे उसको टेस्ट करेगा, पहचानेगा उसकी क्वालिटी को और इंटर करा लेगा, बाकी चीजों को वही क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ पे बात आई कि ये अनडिजायरेबल सबस्टेंसेस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग, जो अनडिजायरेबल सबस्टेंस होते हैं, बहुत अच्छी चीजें अगर इसके पास जा रही है तो ठीक है उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी चीजों को ये क्या करेगा, माउथ के पास से ही रिजेक्ट करने का काम कर देता है। अनडिजायरेबल सबस्टेंसेस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम, ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा, प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरिंग, रोक देता है इंटर करने से, द माउथ बाय द वेंट्रल पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट, जो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये वेंट्रल पार्ट होता है, किसका, वेंट्रल पार्ट पे आप देखेंगे ये वाला पोर्शन अगर हम बात करें तो डार्सल हो गया, और नीचे वाले पार्ट की बात करें तो ये वेंट्रल हो गया, ये क्वाड्रेंट और ये सिलियरी बैंड या सिलियरी रीजन जो है, प्री ओरल सिलियरी रीजन और ये क्वाड्रेंट मिलके क्या करते हैं, बाकी सबस्टेंसेस को जो अनडिजायरेबल होते हैं उसको क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं या काट छाट के बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा डाइजेशन की तरफ, तो अभी तक इसकी डाइजेशन अननोन है, इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं मिल पाई है, किसी बुक ने भी नहीं इसका वो किया है एक्सप्लेन, तो हम फिलहाल में बात कर लेते हैं कि डाइजेशन है क्या और इसमें होता कैसे है। डाइजेशन का मतलब है जो यहाँ पे मौजूद मटेरियल है, फूड मटेरियल, इसको ये क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, पचाएगा अपने किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में ले जाके, थ्रू किसके, एंजाइम्स के। तो जरा हम जान लेते हैं ये है प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, द डाइजेशन ऑफ बेलेनोग्लासेस यानी बेलेनोग्लासेस में जो डाइजेशन है वो कैसे हो रहा है, इज कंप्लीटेड बाई एंजाइम, ये कंप्लीट होता है एंजाइम के थ्रू, और ये सिक्रीट कहाँ से होता है, सिक्रीट बाई डाइजेस्टिव ग्लैंड या ग्लैंडा ग्लैंड सेल आप कह सकते हैं, या डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इसको बोला जा सकता है। तो ग्लैंड सेल्स
ऑफ द फेरिंग्स, यहाँ पे जो फेरिंग्स है, ओसोफेगस है, हिपेटिक रीजन है, इनके पास ऑलरेडी ग्लैंड सेल्स है। कौन से सेल्स है बेटा? ये ग्लैंड सेल्स है, और ये ग्लैंड सेल सिक्रीट क्या कर रहे हैं? ये सिक्रीट कर रहे हैं एंजाइम्स को। कौन सिक्रीट कर रहा है? फेरिंग सिक्रीट कर रहा है, ओसोफेगस सिक्रीट कर रहा है, और हिपेटिक रीजन। हिपेटिक रीजन आई मीन, जब हम यहाँ से ये डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ आगे जाने के बाद कुछ ऐसे आपको दिखलाई दिया होगा कि ये इसका हिपेटिक वाला रीजन और ये एनस। तो ये वाली पोर्शन पे हिपेटिक रीजन की बात हो गई, देन हम फेरिंग्स की बात करेंगे यहाँ पर, और ये ओसोफेगस। ये तीनों मिलके डाइजेस्टिव ग्लैंड रखे हुए हैं जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को, और ये कंप्लीट कर देता है इनकी डाइजेशन। अभी तक जो नोन प्रोसेस है यही है। फिलहाल में इसकी बात हम देख लेंगे आगे क्या है। ऑफ द फेरिंग्स, ओसोफेगस एंड हिपेटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन का जो हिपेटिक रीजन है, ओसोफेगस, फेरिंग्स, ये मिलकर इसके पास ऑलरेडी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सिक्रीट ये क्या करते हैं एंजाइम्स, और ये कंप्लीट कर देता है गैलेनोग्लासेस का डाइजेशन। बात आगे जब आती है तो यहाँ पे क्या लिखा गया बेटा, द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जो एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है किसका? गैलेनोग्लासेस का, अभी तक नोन नहीं है। सो आप इतना जो देख रहे हैं यही इसमें पढ़ना है आपको डाइजेशन में, और ये हमारी पूरी कंप्लीट हुई प्रोसेस, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ गैलेनोग्लासेस। तो बच्चे जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आई बटन में बाकी वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, प्लीज़ उसको जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।